Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वेरी नाइस अम्मी। अम्मी आप ना लगे रहिए अपने दामाद की तारीफ करने में। वैसे अम्मी, नील ने वक्त पर तेल और गुड़ तो डिलीवर करवा ही दिए थे। ज्यादा मुश्किल काम तो मेरा है, ये देखिए ना कैसे टेढ़े मेढ़े लड्डू बन रहे हैं मुझसे। अम्मी आपको पता है आज नील के खानदान वालों के लिए साल का पहला त्योहार है, और बाबा भले ही मुझसे नाराज हो लेकिन अम्मी त्योहार के दिन पर तो सारी रंजिशें भूल जाना चाहिए ना, इसीलिए मैंने बाबा के लिए लड्डू बनाए। अच्छे है ना? इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से ये दूसरे धर्म के लोग खून पीने के पीछे पड़े हुए हैं। व्यास जी आप ठीक तो है ना? सुराजीवा, क्या अभिनय किया आपने। आपको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि आप सच में बीमार नहीं है। ऐसा करके आपने उस लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। यार बे, यानी व्यास जी आपको कुछ हुआ ही नहीं था और फिर वो गोली लगना नाटक था। मैं बाबा को दिखाती। सुराजी वैसे मैंने कभी आशा नहीं की थी सुराजी कि आप ऐसी कोई चाल चलेंगे। सुराजी वो गोली लगना, नकली खून, कोई भी देखकर ये बोलेगा कि वो सच में गोली लगी है। हालांकि इस प्रकार का छल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस लड़की के प्रेम में मेरा पुत्र अपना अस्तित्व भूल गया है। वो भूल गया है कि वो किस परिवार का रक्त है। उस लड़की से अपने नीलकंठ को दूर करने के लिए मुझे इस चाणक्य नीति का प्रयोग करना पड़ा। दिल वैसे भी नसों के इलाज में यूज होता है। बाबा दिल के लड्डू खाएंगे ना तो उन्हें एनर्जी भी मिलेगी और उनके हाथ पैरों में ताकत भी आएगी। पराये धर्म की वजह से मैं अपनी बेटी को पहले ही खो चुका हूं। अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहता मैं। उसकी चिंता आप ना करें सौराजी। चाहत ने जोश में आकर अपनी दादी को तो घर से निकाल दी, लेकिन आज नहीं तो कल नीलकंठ और चाहत के बीच में इस बात को लेकर बहस जरूर होगी। चाहत, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? नील प्लीज आप मुझे डांटिएगा मत। ये गुड़ और तिल के लड्डू बाबा के लिए बनाए हैं ताकि मकर संक्रांति के मौके पर मैं उन्हें दे सकूं। हम इस घर में तो नहीं रह रहे हैं लेकिन बाबा की बहू होने का फर्ज तो पूरा कर सकती हूँ ना। डांटूंगा क्यों तुम्हें? ये तो प्राउड फील करने वाली बात है ना कि एक मुसलमान बहू ने अपने हिंदू ससुर के लिए तिल गुड़ के लड्डू बनाए हैं। इतनी चिंता है चाहत, और हो सकता है तुम्हारे हाथों का मीठा खाकर उनका दिल भी पिघल जाए। मैं इस चाणक्य नीति का प्रयोग केवल इसलिए कर रहा हूं आलेख, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व है मुझ पर। मैं ये चाहता हूं कि उस लड़की के प्रेम के प्रभाव में ना ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो ना ही धर्म से।
धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना स्वीकार है मुझे, इसलिए उस लड़की के साथ चाणक्य नीति का प्रयोग किया मैंने। जी क्या कर रहे हैं आप? ये व्यास जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप हवन कर रहे हैं। यही तो फर्क है तुझमें और उनमें। तूने भले ही अपने धर्म को बुलाकर पराए धर्म की लड़की से शादी कर ली, लेकिन उन्हें याद है कि आज मकर संक्रांति है। अपने धर्म को नहीं भूला हूं मैं, और मैं ही नहीं, चाहत को भी याद है कि आज मकर संक्रांति है। चाहत ने आपके लिए कुछ बनाया है अपने हाथों से, मैं लेकर आता हूं। लो मुझे। व्यास जी, ये देखिए आप, चाहत ने अपने हाथों से आपके लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए। एक मुसलमान लड़की के हाथों से बनाए हुए संक्रांति के लड्डू से ज्यादा धार्मिक अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक और क्या हो सकता है? कमाई से मैं आपके लिए ये 2 दिन की दवाई लेकर आया हूं। 1-2 दिन में पूरे महीने की दवाई ले आऊंगा मैं, आप प्लीज टाइम से ले लेना। चलता हूं व्यास जी। बाबा प्लीज लड्डू ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तारी देवी देखनी चाहिए। अच्छा हुआ जो लाटे को मैंने अंदर आते हुए देख लिया। कहीं व्यास जी को अपने पांव पर खड़े हुए देख लेता तो। लड्डू धार्मिक सद्भावना का प्रतीक। लोगों ने मेरी सरस्वती को मुझसे छीना, अब अपने नीलकंठ को मुझसे छीनने नहीं दूंगा मैं। इसलिए जब तक मैं अपने नीलकंठ को उस लड़की से दूर नहीं कर लेता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।